छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनिंद्रगढ़ में 31 दिसंबर को बहुरूपिया का प्रोग्राम मनाया जाता है, जो एक ऐतिहासिक दिन होता है जिसमें सभी लोग हिस्सा लिया करते हैं। सभी कलाकार अपनी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं। पूरे शहर में जश्न का माहौल रहता है। कार्यक्रम 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शहर में भ्रमण करते हैं और फिर सभी कलाकार राम मंदिर के प्रांगण में जमा होते हैं। इस अवसर पर विधायक गुलाब कमरू और विधायक विनय जायसवाल सहित सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहते हैं। 31 दिसंबर को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसका इंतजार सभी को बेबसरी से रहता है। यह प्रोग्राम मनिंद्रगढ़ संस्कृत मंच के द्वारा किया जाता है। लगातार 26 वर्षों से मनाया जाता है। शहर के सभी व्यापारियों का योगदान रहता है। सभी अपनी अपनी स्वेच्छा से योगदान करते हैं, जैसे पलंग, मोटरसाइकिल, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आलू, प्याज, आटा, पेन जैसी सामग्रियाँ उपहार के स्वरूप दी जाती है। इस कार्यक्रम के समाप्ति में इनाम दिया जाता है। प्रतिभाओं के स्वरूप प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनाम दिया जाता है। पुराने साल की विदाई, नए साल के आगमन का भी बहुत स्वागत किया जाता है। सारा माहौल हर्षोल्लास से भरा रहता है। यहाँ पर 21 दिसंबर के दिन बहुरूपिया महोत्सव होता है और इस महोत्सव में न केवल मनिंद्रगढ़ बल्कि पूरे जिले के यहाँ कलाकार भाग लेते हैं और उन कलाकारों को जो यहाँ के हमारे सम्मानित व्यापारी हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वो जो सम्मान के रूप में पुरस्कार की जो राशि देते हैं, वो राशि के रूप में हमें जो है सामान देते हैं। जो व्यापारी जिसकी जो दुकान होती है वो हमको प्रदान करता है और वही सामान जो हम कलाकारों को बांट देते हैं। लगभग 30 वर्षों से आयोजन हो रहा है। बीते 2 वर्षों में कोरोना काल में आयोजन नहीं हुआ। इस वर्ष मनिंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच ने पहली बार आयोजन किया है और यह परंपरा लगातार जारी रहेगी। इनाम की राशि किस हिसाब से? इनाम यहाँ पर प्रथम एकल और समूह में हम 2 वर्गों में करते हैं, जिसमें दोनों जो कलाकार जो ग्रुप होता है, नगद राशि हम कुछ भी नहीं देते। इसमें सामग्री होती है, गाड़ी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, अलमारी है और जो रोजमर्रा की सामग्री है वो। निकिता वरम्बे के साथ मोहम्मद शकील अंसारी की रिपोर्ट।